वी आर लाइव नाउ डॉक्टर सोमिया, हम लाइव हैं फेसबुक के ऊपर। मैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हमारे ग्रुप के अंदर वॉच पार्टी शुरू कर रहा हूँ, देन वी कैन बिगिन। जस्ट अ फ्यू मोमेंट्स वी कैन बिगिन द वॉच पार्टी। ओके, सो वी लाइव नाउ इन द ग्रुप एज वेल। सो हम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज फहद फ्रॉम मरहम। मैं आप सबको हमारे आज के लाइव सेशन में वेलकम करता हूँ। टुडे वी आर लाइव विद डॉक्टर सोम्या इक्तदार। हमारा ये तीसरा लाइव सेशन है डॉक्टर सोम्या के साथ कोविड की सिचुएशन के ऊपर, और इस टाइम स्पेशली हमें लग रहा था कि एक बहुत ज़रूरत है लाइव सेशन करने की, क्योंकि कोविड की सिचुएशन समझ नहीं आ रही लोगों को, क्या कोविड वाकई डिक्रीज होता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्या नंबर ऑफ केसेस ड्रॉप हो रहे हैं, क्या सिचुएशन उसी तरह से है, क्या अभी भी हमें तमाम सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम प्रिकॉशंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। तो हम ये चाहते थे कि एक ऑथेंटिक जो एडवाइस है और इसके ऊपर जो कोविड पे लेटेस्ट अपडेट है वो आपको एक ऑथेंटिक डॉक्टर से दिलवाई जाए, सो दैट यू कैन नो कि इस टाइम हमें किस तरह से रिएक्ट करना है और कोविड के साथ किस तरह से डील करना चाहते हैं। सो डॉक्टर सोमिया का मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन करा दूं आप लोगों को। डॉक्टर सोमिया इज एक कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन, ये मेंबर हैं कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप की भी और एसोसिएट प्रोफेसर हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो हम अपना लाइव सेशन शुरू करते हैं। पहले तो डॉक्टर सोमिया आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला लाइव सेशन के लिए। तो पहला सवाल जो कि इस टाइम, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो पहला सवाल जो कि इस टाइम मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हर बंदे का क्वेश्चन है पाकिस्तान में कि कोविड की सिचुएशन के साथ क्या हो रहा है पाकिस्तान में। अभी एक से एक माह पहले तक हमें ये लग रहा था कि शायद कोरोना बहुत ज़्यादा रैपिडली फैल जाएगा पाकिस्तान में और हर बंदे को कोरोना होते जा रहा है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कोविड के केसेस भी नीचे आ गए हैं। थोड़ा सा इस तरह से लग रहा है कि शायद कोविड का जो एक जोर था वो बैठ गया है। तो अगर आप हमें इसके बारे में थोड़ा सा बता सकेंगे क्या लेटेस्ट सिचुएशन है कोविड की पाकिस्तान में, क्या वाकई नंबर ऑफ केसेस ड्रॉप हो रहे हैं और इसकी क्या वजह है। ओके, थैंक यू फरहत। सबसे पहले तो सवाल आपका बहुत ही पर्टिनेंट है कि क्या वाकई नंबर ऑफ केसेस कम हो रहे हैं। तो यकीनन नंबर ऑफ केसेस कोविड के जो हमारी सिचुएशन थी पिछले 2-3 माह से उससे बहुत इम्प्रूव्ड है, एंड वी आर सीइंग अ डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ केसेस। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं और मैं इसका जवाब, क्योंकि ये सवाल होना मैं पहले ही दे देती हूँ कि लोग कहते हैं कि नहीं जी, गवर्नमेंट ने नंबर्स छुपाए हुए हैं और ये टेस्ट ही नहीं कर रहे हैं इसलिए जो है वो नंबर ऑफ केसेस कम है। तो मैं सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि नंबर छुपाने का क्या फायदा है, वो तो नुकसान है उल्टा। अगर हम कम नंबर बताएंगे तो लोग रिलैक्स हो जाते हैं और अपने एसओपीज को फॉलो करना छोड़ देते हैं और उसकी वजह से डिजीज फिर बढ़ने लग जाती है। आप खुद ही अंदाजा लगाएंगे तो आपके इर्द गिर्द लोग देखेंगे। पहले आपको याद होगा फहद, जब हमने 2 महीने पहले सेशन किया था तो मैं आपको बता रही थी कि दिन में आपके जानने वालों ही 8-10 लोगों का फोन आ जाता था कि जी आपको कोविड के सिम्टम्स हैं और क्या करें, पर अब वो नंबर बहुत डिक्लाइन हो गया है। हम पेशेंट से डेली इन कॉन्टेक्ट होते हैं, हॉस्पिटल के अंदर भी, क्लिनिक के अंदर भी, अपने सराउंडिंग्स में भी, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर लोग आपको कंसल्ट करते रहते हैं। सो देयर इज अ कंसिडरेबल डिक्रीज इन द नंबर ऑफ केसेस, लेकिन ये नहीं है कि केसेस खत्म हो गए हैं। केसेस आ रहे हैं और रोजाना जो है वो पाकिस्तान में तकरीबन 2 से 2500 के दरमियान और पंजाब में तकरीबन 900 से 1000 के बीच में केसेस रिपोर्ट होते हैं। अब अगर मैं आपको आज की सिचुएशन बताऊं तो पाकिस्तान में 2241 केसेस लास्ट 24 आवर्स में आए हैं और पंजाब में 964 आए हैं, और लाहौर के अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो 312 केसेस जो हैं वो हमारे पास स्टिल एडमिटेड हैं हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं फहद करना चाहती हूँ कि ऑल्दो हमारे नंबर ऑफ केसेस कम हो गए हैं, लेकिन नंबर ऑफ सीरियस केसेस या सीवियर डिजीज के केसेस अभी इतने कम नहीं हुए कि हम कहें कि हम बिल्कुल सेफ जोन में हैं। अभी भी जो 300 केसेस लाहौर में, 312 केसेस शामिल हैं, उसमें 70% के करीब वो लोग हैं जो कि ऑक्सीजन डिपेंडेंट हैं या वेंटिलेटर डिपेंडेंट हैं। सो हमारा 70% हॉस्पिटल्स का लोड उन्हीं पेशेंट से है जिन्हें एक्चुअली आईसीयू केयर या हाई डिपेंडेंसी यूनिट की केयर रिक्वायर्ड है। और दूसरा, अगर हम टेस्ट की बात करें तो पिछले महीनों में, क्योंकि हम तो तकरीबन डेली डेटा रिव्यू कर रहे होते हैं कि कितने टेस्ट हो रहे हैं और क्या पॉजिटिविटी रेट है, तो हमारे पास 25-30% तक पॉजिटिविटी रेट भी आता रहा, यानी कि 100 में से 30 लोग पॉजिटिव होते थे। लेकिन आज का अगर मैं आपसे पॉजिटिविटी रेट शेयर करूं तो पंजाब पूरे में सिर्फ 294 न्यू केसेस जो हैं वो पॉजिटिव हुए हैं,
लाहौर में सॉरी, तो ये 4% के करीब पॉजिटिविटी है, यानी कि 7,000 के करीब टेस्ट हुए और उसमें से सिर्फ 294 जो है वो पॉजिटिव हुए, तो 4%। सो हम 25-30% से अगर 4% पॉजिटिविटी रेट पे आ गए हैं तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हम टेस्ट कम कर रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट तो उसी हिसाब से होता है कि नंबर ऑफ टेस्ट वर्सेज नंबर ऑफ पॉजिटिव। ठीक है, ये जब हम 10,000 टेस्ट कर रहे थे तो हमारे पास अगर 2500 लोग पॉजिटिव आते थे तो 25% रेट था, अगर अब 40 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं तो 4% रेट है। सो नंबर ऑफ टेस्ट भी यकीनन उस हिसाब से नहीं हो रहा है, ये आई एग्री, लेकिन देखें अगर पेशेंट्स आपके पास सिम्टम्स लेके आएंगे ही नहीं तो फिर आप टेस्ट बिला वजह तो नहीं करते ना, टेस्ट तो उन्हीं का करते हैं जो सस्पेक्टेड होते हैं, जिनमें अलामत होती हैं या जिनमें कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री होती है, सो वो लोग ही कम है, लेकिन उनमें से भी जो पॉजिटिविटी रेट है वो काफी कम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत करम है कि वो जो एक क्रूशल सिचुएशन थी जिसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ केसेस आ रहे थे उससे हम थोड़ा बाहर हैं और ये स्टेबल भी है, ये नहीं है कि एक दिन ज्यादा है एक दिन कम है, फॉर द लास्ट वन वीक और सो डिक्लाइनिंग ट्रेंड ही है हमारे पास। बहुत अच्छे, वंडरफुल। यहीं पे सवाल बनता है कि वजह क्या है, कि क्या हुआ है अचानक इस तरह का कि जो डिक्लाइन है वो आना शुरू हो गया, क्या ये गर्मी की वजह से हो रहा है? तो ये है कि बाद मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आप कैन यू रिपीट? जी डॉक्टर सुमिया, अब आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी अब मैं सुन पा रही हूँ, बताइए। हाँ, डॉक्टर सुमिया, मेरा क्वेश्चन ये था कि आखिर इस डिक्लाइन की वजह क्या है। यहीं पे ये सवाल बनता है कि कुछ लोग कह रहे हैं शायद गर्मी की वजह से हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं शायद वायरस ही वीक होना शुरू हो गया, सो आखिर इसकी वजह क्या है कि हम कोविड का डिक्लाइन अचानक आया है पाकिस्तान में? देखिए अचानक तो नहीं आया है, स्लो एंड स्टेडी डिक्लाइन आया है ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू वीक्स, हमारे पास नंबर ऑफ केसेस कम होने शुरू हुए हैं। अब वजह असबाहत बताना बहुत मुश्किल है, देयर आर अजम्पशंस दैट वी मेक ओनली बिकॉज दिस इज अ नोवल कोरोना वायरस, दिस इज अ न्यू कोरोना वायरस, इस पर अभी इतनी रिसर्च नहीं हुई। जब इसको 8-10 साल हो जाएंगे तो हमें इसका ट्रेंड पता चलेगा कि ये सीजनल वेरिएशन से कोई फर्क पड़ता है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी से कोई फर्क पड़ता है, वायरस के स्ट्रेन क्या चेंज हो गए हैं, उसकी लिथैलिटी यानी कि जो इन्फेक्शन या लीथल डिजीज करने का चांस था वायरस में वो चेंज हो गया है, या हमारी प्रैक्टिसेस बेहतर हुई हैं जिसकी वजह से कम हो गया है, जो हमने स्मार्ट लॉकडाउन किए, कुछ जोनल लॉकडाउन किए गए उनकी वजह से हुआ है। सो ये सारे फैक्टर्स मिलजुल के ही किसी वायरस के एपिडेमिक को जो है वो उसको कम करते हैं। सो आई थिंक के मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इसमें, कुछ रोल जो है वो कुछ अल्लाह ताला का तो बहुत करम है, वो उसके करम के बगैर तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कुछ कुछ रोल जो है वो हमारी उस स्ट्रेटजीज का भी है जो मिटिगेशन स्ट्रेटजीज या सप्रेशन स्ट्रेटजीज गवर्नमेंट ने दी, जिसमें कुछ एरियाज को बंद किया गया जहां नंबर ऑफ केसेस ज्यादा थे, उन जोन्स को जो है वहां पे लॉकडाउन किया गया, फिर सोशल डिस्टेंसिंग और प्रैक्टिसेस और स्कूल्स और कॉलेजेस और कॉन्ग्रीगेशंस हमने बंद किए, उसकी वजह से भी ट्रांसमिशन चेन ब्रेक हुई। इसके अलावा हो सकता है, इट्स नॉट प्रूवन दो, बिकॉज हमने बहुत गर्म इलाकों में भी कोरोना वायरस देखा और बहुत ठंडे इलाकों में भी कोरोना वायरस देखा, बट हर एरिया में वायरसेस जो हैं वो डिफरेंटली बिहेव भी कर सकते हैं, सीजनल या टेम्परेचर इफेक्ट भी हो सकता है। और हमें पता है कि जो रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं उनका जनरली ट्रेंड ये होता है कि वो विंटर्स में उनकी पीक होती है, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है, ये यूजुअली विंटर के या निमोनियाज जो है वो विंटर में है, तो ये भी शायद कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है, लेकिन आई थिंक दैट इट इज नॉट अ मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बिकॉज हमने बहुत गर्म इलाकों में भी इस वायरस को देखा है। और इसके अलावा एक ये है कि एक वायरस का एक लाइफ भी होता है, एक एपिडेमिक का, एक एपिडेमिक ये नहीं होता कि वो चलता ही जाए, उसने इवेंचुअली डाई ऑफ होना होता है जब उसको स्पेस नहीं मिलती, इर्द गिर्द लोग जो है वो अच्छी प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं और उसकी ट्रांसमिशन की चेन को कहीं ब्रेक लग रही होती है तो वो फिर थोड़ा फिजल आउट हो जाता है। लेकिन विद दिस कॉशन कि अगर हम रिलैक्स हो गए कि जी आप केसेस कम हैं और हमने वो सारी प्रैक्टिसेस जो बड़ी मुश्किल से इनकलकेट की हैं हमने अपने माशरे के अंदर, कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग अपनानी है, फेस मास्क का इस्तेमाल करना है, लोगों के साथ क्लोज कॉन्टेक्ट में नहीं रहना, हैंड वॉशिंग प्रैक्टिसेस अपनानी है, ये सब अगर हमने छोड़ दी तो खुदा ना खास्ता जैसे दूसरे मुल्कों में सेकेंड वेव आई है हमारे मुल्क में भी आ सकती है। सो हमें बहुत ज्यादा कॉशियस रहना है और प्रिपेयर्ड रहना है फॉर द वर्स्ट। बहुत अच्छी, एंड आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि रिलैक्स होने के यहाँ पे भी बिल्कुल भी वक्त नहीं है, हमें जिस तरह से हम प्रिकॉशंस हमने अपनाई थी, जिस तरह से SOP का ध्यान रख रहे थे वो उसी तरह करने की जरूरत है। डॉक्टर सुमिया, आपने सेकेंड वेव की बात की, तो
अभी एक ये भी क्वेश्चन और बात चल रही है कि शायद विंटर्स में जाके शायद हमें कोई एक सेकेंड वेव देखने को मिलेगी, या एक ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि एक्सपेक्टेड होता है कि इनकी सेकेंड वेव होती है पेंडेमिक्स की, फिर एक थर्ड वेव होती है, तो क्या कोई इस तरह का सेकेंड वेव का खतरा भी है कि पाकिस्तान में, कि क्या कोरोना दोबारा से फिर उठेगा एक सेकेंड वेव की फॉर्म में और फिर केसेस का नंबर बहुत बढ़ जाएगा? देखिए फहद, जैसे मैंने कहा कि प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, इट्स ऑल अजम्पशंस एंड इट्स ऑल पास्ट एक्सपीरियंस दैट कैन लीड टू अ स्टेटमेंट लाइक दिस कि सेकेंड या थर्ड वेव आएगी. हमने इन्फ्लुएंजा वायरसेस में, स्पैनिश फ्लू में देखा कि सेकेंड और थर्ड वेव आई, और पेंडेमिक्स के अंदर हमने देखा सेकेंड थर्ड वेव आई, और कंट्रीज में हमने देखा, यूएसए में हमने देखा, चाइना में हमने देखा कि जब कम्प्लीटली केसेस खत्म हो गए, न्यूजीलैंड में हमने देखा, उसके बाद ईरान हमारी नेबरिंग कंट्री है उसमें आपने देखा डिक्लाइनिंग ट्रेंड था, नंबर ऑफ केसेस कम थे, बट अब फिर से नंबर ऑफ केसेस ज्यादा हैं. सो मेरा ख्याल है कि सेकेंड वेव आएगी तो सही, लेकिन आई माइट बी रॉन्ग बिकॉज दिस इज ओनली अ प्रेडिक्शन विच कैन बी रॉन्ग. लेकिन सेकेंड वेव को हम कम कर सकते हैं और वो सेकेंड वेव छोटी हो और उतनी डेडली ना हो, ये हमारे कंट्रोल में है. और हमारे कंट्रोल में ऐसे है कि अगर हम अपनी जो हेल्थ प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की हैं हमने ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स, उनको जारी रखें. जहां हम लीनियंट हो गए, अपने रवैयों में कंप्लेसेंट हो गए, वहां पे जाके गड़बड़ होनी है. अभी आपको याद होगा कि पिछली दफा जब ईद में हमने एकदम से लॉकडाउन लिफ्ट किया था और लोगों ने एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना शुरू किया, सो वी हैड अ वेरी बैड सिनेरियो 2 weeks आफ्टर ईद जो थे, वो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ केसेस थे और हॉस्पिटल्स जो हैं दे वर फ्लडेड विद पेशेंट्स. सो खुदा ना खास्ता ये वाली ईद अब आ रही है, इस पे हमें बहुत एहतियात की जरूरत है. लोगों को चाहिए कि जो मार्केट्स में शॉपिंग करने के लिए या मवेशी मंडियों में, कैटल मार्केट्स में जा रहे हैं, वो प्लीज स्ट्रिक्टली एसओपीज को फॉलो करें ताकि हम खुदा ना खास्ता जो पिछली सिचुएशन से गुजरे हैं उसको रिपीट ना करें. बहुत अच्छे, आई थिंक आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया. मैं यहाँ पे जो लोग हमें लाइव सेशन में इस टाइम देख रहे हैं, मैं उन्हें बताता चलूँ कि अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है कोविड के सिनेरियो से रिलेटेड, या अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं डॉक्टर सोमिया से, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसको जरूर लाइव सेशन में फीचर करेंगे. उसके अलावा एक और छोटी सी अनाउंसमेंट ये है कि आप मरहम के थ्रू डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कंसल्टेशन के जरिए बात कर सकते हैं. तो अभी भी कोविड का खतरा है, पेशेंट्स के लिए डेंजरस है हॉस्पिटल में जाना या डॉक्टर को जाके चेक कराना, तो आप ऑनलाइन मरहम की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. मरहम की ऐप के थ्रू आप डॉक्टर से ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात कर सकते हैं. हमारी टीम कमेंट सेक्शन के अंदर जो है मरहम के ऐप के लिंक्स भी आपको जरूर दे देगी. सो डॉक्टर सोमिया, हम आगे चलते हैं. जिस तरह अभी आपने एंड में ईद की बात की कि ईद आ रही है, तो अभी यही कहा जा रहा है कि ये जो अगले नेक्स्ट एक मंथ होने वाला है ये मेक और ब्रेक होने वाला है फॉर पाकिस्तान. बिकॉज हमने आखिरी दफा देखा था कि जब ईद आई थी तो बहुत लोगों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं किया था, बाजारों में शॉपिंग और सब उस तरह से ही चला, तो जिसकी वजह से हमने देखा कि कोविड जो था वो बहुत उसने ज्यादा पीक भी किया. सो अगर आप हमें थोड़ा सा बता सकें कि अब ईद आ रही है तो हमें क्या प्रिकॉशंस जो हैं और क्या ध्यान जो है वो तमाम लोगों को जिस टाइम हमें देख रहे हैं उनको जहन में रखने की जरूरत है, एंड एज अ नेशन भी, जिसकी वजह से शायद हम कोविड का जो एक इफेक्ट जो अल्हम्दुलिल्लाह नीचे आ रहा है और बहुत मेहनत से और तमाम डॉक्टर्स की, गवर्नमेंट की, हम सब की मेहनत से मिलकर नीचे आ रहा है, तो उसको हम जो है दोबारा जो कोविड है वो पीक ना पड़े और हम उसको नीचे ही रख सकें. आई थिंक फहद के अच्छी कॉमें वही होती हैं जो अपने पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस से लर्न करती हैं, एंड दिस इज द टाइम व्हेन वी लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस. जो हमने पिछली ईद पे देखा कि लोगों ने जब बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी एसओपीज की और फ्रीली लोग मार्केट्स में फिर भी रहे थे, और जो इस तरह के कॉमेंट्स थे कि कोरोना कहाँ है, हमें नजर नहीं आ रहा, कोई कोरोना नहीं है, और ऐसी बातें और जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी, उसके फिर इतने हार्श कॉन्सिक्वेंसेस थे जो हमें फेस करने पड़े. एंड देन वी रियलाइज्ड एज ए नेशन के शायद हमारे से कोई भूल हो गई थी जिसकी वजह से ये खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है. तो आई थिंक दिस इज द हाई टाइम दैट वी रियलाइज दैट वी डू नॉट हैव टू रिपीट दैट मिस्टेक. खुदा का शुक्र है कि केसेस हमारे पास कम हैं और फॉर द लास्ट 1 week और सो हमारे पास डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, नंबर ऑफ केसेस में भी, नंबर ऑफ डेथ्स में भी. तो हमें इसको मेंटेन करना है. जो एसओपीज आपको बताए गए हैं उनको प्लीज फॉलो कीजिए और रिलैक्स ना हो. अपने लोगों को इर्द गिर्द जो है वो भी यही मैसेज दीजिए, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में. मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ईद जो है वो एक खुशियाँ और तकरीब और सेलिब्रेशन वाले माहौल में होता है और हमारा दिल चाहता है, और हम लाहौरी स्पेशली बहुत वो कौम है जो हल्ला गुल्ला और बाहर निकलना चाहती है, और ईद एक ऐसा हमारा
यू नो रिलीजियस सेलिब्रेशन होती है जिसमें हम लोगों को मिलना चाहते हैं, बट उस मिलने जुलने से अगर आप किसी की, आपकी अपनी या किसी की लाइफ अगर एट रिस्क है, तो फिर क्या फायदा उस मिलने जुलने का? आप जरूर मिलें, वीडियो चैट कर सकते हैं, ऑडियो चैट कर सकते हैं, दूर से मिल सकते हैं, गले ना लगाइए, हाथ ना मिलिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, अगर आपने एक जगह इकट्ठे होना है तो सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें, सब लोग मास्क पहने, बार बार हाथों को धोएं। और एक कोविड से हट के भी बाहर मैं ये बात करना चाहती हूँ कि ये जो ईद है ये हमारे साथ कोविड का भी खतरा लाती है और कुछ और भी जूनॉटिक बीमारियां हैं, जैसे हमारे पास कॉन्गो जो होता है वो जानवरों से फैलने वाली बीमारी है, तो उसको भी ध्यान में रखना है आपने। और दूसरा, बहुत ओवर ईटिंग के साथ जो मेडिकल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं और अनहाइजेनिक फूड जो लोग खाना शुरू हो जाते हैं उससे मसाइल, उनको भी ध्यान में रखना है। सो कोविड के साथ साथ बाकी मेडिकल प्रॉब्लम्स को भी आपने जहन में रखते हुए इस ईद को सेलिब्रेट करना है। और ये कुछ थोड़े से सेक्रीफाइस हम अभी कर लेंगे तो इन द लॉन्ग रन जो है वो हम और अच्छी बड़ी सेलिब्रेशन इंशाल्लाह जिंदगी पड़ी है करने के लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आई थिंक आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई थिंक कि हम सबको इसके बारे में बात करनी चाहिए इस टाइम में कि आगे ईद आ रही है, तो हम सब जो हैं एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ध्यान रखें इस चीज़ का कि जितना हम पार्ट प्ले कर सकते हैं वो ज़रूर प्ले करें। डॉक्टर सोमिया, थोड़ा सा मैं आगे चलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हमसे पूछा भी हुआ है कमेंट सेक्शन के अंदर कि वैक्सीन के बारे में अगर बताएँ कि वन कैन वी एक्सपेक्ट के वैक्सीन आ जाएगी, और अभी हमने देखा है कि कुछ शायद एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो ट्रायल था वो सक्सेसफुल हुआ, चाइना के अंदर भी वैक्सीन के ऊपर काम हो रहा है, तो वैक्सीन के ऊपर क्या लेटेस्ट अपडेट है इस टाइम कोविड? देखिए, वैक्सीन जो है वो 2-3 कंपनीज की फेज 3 ट्रायल के अंदर है, और रशिया में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में और चाइना में, ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लीड कर रहे हैं। और इसके रिजल्ट्स जो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट्स हैं उसमें अच्छे रिजल्ट्स हैं, लेकिन फहद ये कहना कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वैक्सीन हमारे हाथ में होगी, आई थिंक इट्स वेरी वेरी प्रीमेच्योर टू से दैट, बिकॉज एक तो वैक्सीन बनती है, उसके ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, एफिकेसी देखी जाती है, फिर वो पहले उन मुल्कों में सप्लाई होती है जाहिर है जो कि वो वैक्सीन बनाने में इन्वॉल्व होते हैं और जहाँ पे नंबर ऑफ केसेस टॉप टॉप के केसेस जहां होते हैं वहां पे, बिकॉज इसकी प्रोडक्शन और फिर इसको आम यूज में लाने में अभी आई थिंक फॉर अनदर ईयर और सो वी विल हैव टू वेट फॉर वैक्सीन, और अल्लाह करे कि उससे जल्दी आ जाए, बट मेरे अंदाजे के मुताबिक कम से कम एक साल लगेगा जब हम एक यूजफुल और इफेक्टिव और सेफ वैक्सीन इसके खिलाफ बना सकेंगे। वैक्सीन बनाने में बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, मैं बहुत साइंटिफिक बातें नहीं करूंगी, लेकिन ये वायरस क्योंकि नया है और ये कैसे बिहेव करता है ये हमें अभी हर गुजरते दिन के साथ इसके मुतल्लिक एक नई बात पता चल जाती है। जो वायरसेस तो हमारे पास पुराने हैं उनको हम जानते हैं, उनके बिहेवियर को जानते हैं, उनके पैटर्न्स को जानते हैं, सो उनकी वैक्सीन्स जो हैं वो आपने जैसे फ्लू की वैक्सीन देखी होगी, इन्फ्लुएंजा जो है उसकी वैक्सीन H1N1 की, वो हर साल नई आती है बिकॉज वायरस म्यूटेट कर जाता है। तो इस वायरस के मुतालिक अभी हमें इतना पता ही नहीं क्या इसमें म्यूटेशंस आएंगी, हमें नया स्ट्रेन वायरस का मिलेगा तो उसके खिलाफ वो वैक्सीन कारगर होगी कि नहीं, फिर आपकी जो पॉपुलेशन है उसके डिफरेंसेस होते हैं, रेशियल डिफरेंसेस होते हैं, किसी पॉपुलेशन पे कोई वैक्सीन अच्छा रिस्पॉन्ड करती है किसी पे नहीं करती, किसी सीरोटाइप के खिलाफ अच्छा रिस्पॉन्स करती है किसी पे नहीं करती, सो वायरस के स्ट्रेन सारों को कवर करती है कि नहीं, सो देर आर मेनी क्वेश्चंस विच आर स्टिल अनआंसर्ड। ऑब्वियसली रिसर्च जो है बहुत रोबस्ट तरीके से इस पे हो रही है, बट इट इज वेरी प्रीमेच्योर टू से दैट बाय एंड ऑफ दिस मंथ वी विल बी एबल टू हैव अ वैक्सीन। आई थिंक एटलीस्ट अ ईयर विल बी रिक्वायर्ड बिफोर वी गेट अ सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन। वंडरफुल, आई थिंक बहुत अच्छे से ये भी एक्सप्लेन हो गया, और मुझे पर्सनली इस लाइसेशन को करते हुए थोड़ी सी खुशी भी आई एक तरीके से कि आई थिंक जब हमने पहला लाइसेशन किया था तब हमें समझ भी नहीं आ रही थी कि कोविड क्या है, देन जब हमने नेक्स्ट लाइसेशन किया और जब बीच में कोविड की एक स्टेज आई कि ऐसे लग रहा था कि शायद अब बस तो पूरे पाकिस्तान में कोविड फैलने वाला है और हर तरफ एक टेंशन और कैओस की सिचुएशन थी, और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े से रिलैक्स हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ ये है कि अगर आप थोड़ा सा और ध्यान कर लें, थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लें सोशल डिस्टेंसिंग, थोड़ा सा SOPs को और फॉलो कर लें, तो इंशाल्लाह दूर नहीं है वो टाइम जब हमारे पास वैक्सीन भी होगी और इंशाल्लाह कोविड को हम हरा भी चुके होंगे। सो थोड़ा सा मेरे ख्याल से जो लोग हमें देख भी रहे हैं मैं उन्हें दोबारा यही कहूंगा कि वी आर वेरी नियर टू इट, थोड़ा सा हमें इसका मजीद ध्यान करने की जरूरत है। डॉक्टर सोमिया, हमने पोस्ट की थी लाइसेशन से पहले, हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं उनको अभी जो है इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। अब जिस तरह लाइफ जो है वो ग्रेजुअली थोड़ा नॉर्मल की तरफ जाना शुरू हो गई है, सुनने में आ रहा है कि शायद स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज भी खुलना शुरू होंगी, ऑफिसेज खुलना शुरू हो गए हैं,
तो पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आ रहा है कि इज इट सेफ टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, कि क्या बच्चों को स्कूल भेजा जा सकता है। तो अगर आप थोड़ा सा पेरेंट्स को इसके बारे में गाइड कर सकें, जो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से इस टाइम हर पेरेंट का यही सवाल है। फहद, देखें, जब भी कोई एपिडेमिक आता है या पैंडेमिक सिचुएशन आती है तो उसको कंट्रोल करने की कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं जिन्हें साइंटिफिक टर्म में मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज कहा जाता है। मिटिगेशन स्ट्रैटेजी ये होती है कि आपने डैमेज कंट्रोल करना है, या फिर एक सप्रेशन स्ट्रैटेजी होती है जिसमें आपने डिजीज को सप्रेस कर देना है। और इन दोनों स्ट्रैटेजीज के अंदर जो कॉन्ग्रीगेशंस या ग्रुप्स हैं वो लास्ट स्टेज पे रिलैक्स किए जाते हैं, ठीक है। सो हमने देखा कि मार्केट्स खोल दी विद सोशल डिस्टेंसिंग, हमने देखा मस्जिदों में हमने अलाउ कर दिया विद सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, फंक्शंस, शादियां, ये सारी वो चीजें हैं जिसमें मैस गैदरिंग्स होती हैं। और मैस गैदरिंग्स किसी भी डिजीज को प्रोपगेट करने का सबसे रैपिड तरीका होती हैं। सो ये वो लास्ट स्टेप है जो कि एज अ पॉलिसी मेकर, एज अ गवर्नमेंट जो है वो लेना चाहिए। और जब बिल्कुल सेफ हो जाए तभी, दो वी नो दैट ये जो डिजीज है COVID-19 ये कम इफेक्ट करती है छोटे बच्चों को और पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में इसके केसेस कम देखे गए हैं, बट जाहिर है कि सेफ्टी का कंसर्न बच्चों में सबसे ज्यादा होता है। तो आई थिंक कि अगर हमारा यही ट्रेंड रहा, डाउनवर्ड ट्रेंड रहा, और हम मेंटेन कर सके अपने स्टेटिस्टिक्स को एट अ वेरी लो लेवल, और एक आर इफेक्टिव वैल्यू होती है, आर इफेक्टिव ये होता है कि एक आदमी से दूसरे आदमी को लगने के चांस कितने हैं। सो जो इसकी आर नॉट वैल्यू है इस वायरस की, वो 2 से 3 समझी जाती थी कि एक शख्स 2 से 3 लोगों को मुतासिर कर सकता है, और इस वक्त पाकिस्तान में इसकी वैल्यू 0.7 के करीब है, 0.72 टू बी एग्जैक्ट। सो 1 से नीचे जब आर नॉट चला जाता है उसे हम आर इफेक्टिव कहते हैं। दैट मींस के एक से कम आदमी को मुतासिर करेगा ये वायरस, तो ये एक अच्छा साइन होता है। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द लास्ट 1 वीक और सो हम ये 1 से नीचे कर रहे हैं। आई थिंक फॉर अनदर 2 और 3 वीक्स इफ वी आर एबल टू कीप इट एट अ लेवल बिलो 1, देन इट विल बी सेफ टू रीओपन द यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स, एंड नॉर्मलसी की तरफ जिंदगी वापस आना शुरू होगी। लेकिन फिर भी इसको टाइम टू टाइम एनालाइज किया जाता है। ये नहीं होता कि जनाब आपने एक दफा सब कुछ खोल दिया एंड देन यू आर रिलैक्स। ऑब्वियसली यू हैव टू एनालाइज एट अ पीरियोडिक इंटरवल कि हमारी इस स्ट्रेटेजी को रिलैक्स किया है हमने, लॉकडाउन को रिलैक्स किया है, ग्रुप्स की गैदरिंग्स को हमने अलाउ किया है, तो कहीं नंबर ऑफ केसेस तो नहीं बढ़ना शुरू हो गए, कहीं हमारा पॉजिटिविटी रेट दोबारा से तो नहीं आ रहा, कहीं हमारी पीडियाट्रिक पॉपुलेशन तो नहीं इफेक्ट हो रही। सो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच आर कंटिन्यूसली एनालाइज बाय द पॉलिसी मेकर्स, और इसको सोच के ही फिर आगे जो है वो पॉलिसी बनाई जाएगी। तो स्कूल्स अगर सितंबर से जैसे सुनने में आया कि खोलेंगे भी, तो उसके बाद इसको एनालाइज किया जाएगा और फिर इंटरमिटेंटली जहां जहां प्रॉब्लम होगी उन एरियाज को रिव्यू किया जाएगा। वंडरफुल, बहुत अच्छे। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन है मेरे पास जो कि कोविड रिकवर्ड पेशेंट से रिलेटेड है। एक ये भी बात चल रही है इस टाइम कि 3 महीने के बाद आपकी जो कोविड की इम्यूनिटी है वो खत्म हो जाती है। तो अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर ब्रीफ कर सकेंगे, क्या वाकई ऐसा है कि आपकी अच्छा एंटीबॉडी खत्म हो जाती है? और दूसरा क्वेश्चन ये देखिए, भी है हाँ साथ ही इसके रिलेटेड के शायद जो जिन लोगों को कोविड हो जाता है तो शायद उनके हार्ट के ऊपर इफेक्ट होता है। ये सुनने में आ रहा है कि उनको ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जिनसे शायद बाद में उनके अंदर और भी तरह की डिजीजेस का खतरा होता है। तो क्या इसका भी कोई इफेक्ट होता है कोविड पेशेंट्स के ऊपर और हाँ जी मेजरली उनके हार्ट के ऊपर? ओके। पहला क्वेश्चन आपका था इससे रिलेटेड इम्यूनिटी से। मैंने आपको शुरू से मैं बता रही हूँ कि इट्स अ न्यू वायरस, इट इज येट टू बी स्टडीड कि इसकी इम्यूनिटी कितनी है, लेकिन कोरोना वायरसेस जो पुराने हैं उनके एक्सपीरियंस से हमें पता है कि इसकी इम्यूनिटी जो है वो कम से कम हमारे पास 3 to 4 years तक होती है। अब जो ये एक सवाल उठाया जा रहा है कि एंटीबॉडीज के लेवल डिक्लाइन कर जाते हैं 3 to 4 months में, सो दिस इज पार्टली ट्रू, लेकिन आपकी इम्यूनिटी सिर्फ एंटीबॉडीज से रिलेटेड नहीं होती। अब ये क्योंकि बहुत मेडिकल हो जाएगा तो मैं आसान लफ्जों में समझाती हूँ कि देर आर अदर थिंग्स इन द बॉडी, और सेल्स भी होते हैं जो इम्यूनिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, उन्हें हम टी सेल्स या बी सेल्स कहते हैं, और ये मेमरी सेल्स होते हैं। ये मेमरी सेल्स ऐसे होते हैं कि एक दफा जब वायरस इनके बॉडी में अटैक करता है तो ये सेल्स जो है ना वो याद रख लेते हैं, अपनी मेमरी में रख लेते हैं कि दिस इज द वायरस, सो दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू योर इम्यूनिटी। तो एंटीबॉडी के टाइटर्स ऑब्वियसली वो भी हेल्प करते हैं, और हमें पता है कि वो 3 to 4 months तक उनके लेवल्स बढ़ते हैं और उसके बाद वो डिक्लाइन करना शुरू हो जाते हैं। बट देर आर अदर मैकेनिज्म इन द बॉडी एज वेल विच आर हेल्पिंग इन बिल्डिंग द इम्यूनिटी।
जो ये बहुत एक इशू रेज हो रहा था अबाउट द री इन्फेक्शन, कि जिन लोगों को बिकॉज केसेस कुछ ऐसे आए जिन्होंने कहा कि हमें मार्च अप्रैल के अंदर केस हुआ था और हमें जून और जुलाई में दो तीन महीने के बाद दोबारा वही सिम्टम्स आए और हमने टेस्ट कराया और पॉजिटिव हो गया. ये केसेस सिर्फ पाकिस्तान में रिपोर्ट नहीं हुए, ये पाकिस्तान से बाहर अमेरिका में भी, कोरिया में भी, सिंगापुर में भी, चाइना में भी, जापान में भी रेज हुए. लेकिन जितनी भी स्टडीज मैं बिकॉज बहुत रिव्यू करती हूँ लिटरेचर को, मेरा इंटरेस्ट भी है और नॉलेज तो आपको पता है जितना भी ले लें आप फायदा है, लोग भी पूछते हैं तो हमें अपडेट भी रखना पड़ता है. तो अभी एक लेटेस्ट आर्टिकल भी छपा, अमेरिकन एपिडेमियोलॉजिस्ट एंड इन्फेक्शियस डिजीज के स्पेशलिस्ट ने एक कंसेंसस अप्रूव किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो री इन्फेक्शन है इट इज नॉट इम्पॉसिबल बट इट इज हाईली अनलाइकली. मतलब ये नहीं कि री इन्फेक्शन नहीं हो सकती, हो सकती है बट बहुत ही मिनिमल चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस हैं. सो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर बट एज ए जनरल रूल हर बंदे को ये डरना नहीं चाहिए कि जी मुझे पहले कोरोना हुआ है तो मुझे दोबारा कोरोना हो जाएगा. आपको दोबारा कोरोना होने के चांस बहुत ही कम है. कुछ अनलकी लोग होते हैं जिनको दोबारा हो सकता है या फिर वो है या नहीं ये भी नहीं बता सकते. जो शुरू में हमें पता चला कि री इन्फेक्शन के बाद जब वायरस पॉजिटिव आया, लोगों सिम्टोमेटिक थे और उनको टेस्ट किया गया तो वो वायरस तो पॉजिटिव था लेकिन वो वायरस कल्चर पे ग्रो नहीं करता था. कुछ लोग जिनको एसिम्प्टोमेटिक डिजीज पहले होती है यानी कि जिनको बहुत मामूली अलामत या ना होने के बराबर अलामत है, उनमें कई दफा एंटीबॉडीज का रिस्पांस बड़ा पुअर होता है तो उनमें री इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है शायद उन लोगों से जिनमें अच्छी डिजीज प्रोग्रेसिव डिजीज होती है उसके मुकाबले में जरा ज्यादा होते हैं बिकॉज उनकी एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स जो है वो वीक होता है एसिम्प्टोमेटिक केसेस में. बट दीज आर अगेन फहद ऑल अजम्पशंस बिकॉज दिस इज अ न्यू वायरस. इसकी जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आती जाती है हम आपके साथ शेयर करते जाते हैं. लोग मेरा इंटरेक्शन बहुत ज्यादा लोगों से रहता है तो लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आप पहले कहती होती थी मास्क नहीं पहनने की जरूरत, जब नजला जुकाम है जिस बंदे को सिर्फ वही मास्क पहने, अब आप कहती हैं सारे लोग मास्क पहने. तो मैं उनसे कहती हूँ कि जैसे जैसे गाइडलाइंस और जैसे जैसे रिकमेंडेशंस और जैसे जैसे नॉलेज जो है इवॉल्व करता है हम आपके साथ शेयर करते हैं. हमने अपनी तरफ से तो चीजें नहीं बनानी, जैसे जैसे रिसर्च से चीजों से एविडेंस आता है और हमें पता चलता है कि इसका फायदा है उसकी लाइट में हम आपको गाइड करते हैं. तो आज भी मैं जो आपको गाइड कर रही हूँ वो लेटेस्ट रिसर्च और लेटेस्ट लिटरेचर जो हमें बता रहा है उसके मुताबिक कि री इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ही कम है, इससे घबराए ना, लेकिन एहतियात का दामन नहीं छोड़ना. जो लोग कहते हैं कि जी हमें तो कोविड हो गया अब तो यू नो वी हैव दिस इम्यूनिटी पासपोर्ट विद अस, अब हम जहां मर्जी जाएं हमें मास्क भी पहनने की जरूरत नहीं है और हमें क्या जरूरत, हमें तो हो गया है. सो दिस इज नॉट ट्रू. सी यू स्टिल हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस एंड यू नीड टू फॉलो ऑल दी एसओपीज. आपने हाथ भी धोने, आपने सोशल डिस्टेंसिंग भी अपनानी है, आपने मास्क का इस्तेमाल भी करना है बिकॉज अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता वो अनलाइकली बंदा जिसे री इन्फेक्शन होनी है वो कहीं आना. वेरी गुड, बहुत अच्छे डॉक्टर सोमिया. थोड़े से हम लाइव क्वेश्चंस ले लेते हैं उसके बाद फिर हम लाइव सेशन को एंड करने की तरफ चलेंगे. डॉक्टर सोमिया मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप उनका ब्रीफली आंसर करते जाएं. ज़ैनब शकील ने हमारे से पूछा है विच प्रिकॉशंस ए प्रेग्नेंट वुमन शुड टेक ड्यूरिंग हर डिलीवरी. देखिए सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि एक घबराए ना. प्रेगनेंसी की बहुत खवातीन प्रेगनेंसी के साथ और कोविड पॉजिटिव के साथ मेरे पास आई क्योंकि मैं एक फीमेल फिजिशियन हूँ. कई दफा फीमेल्स दे फील कॉन्फिडेंट कंसल्टिंग अ फीमेल फिजिशियन एंड अ गायनेकोलॉजिस्ट. तो एक तो घबराए ना, पैनिक ना करें. प्रेगनेंसी के साथ कॉम्प्लिकेशंस नहीं देखी गई कोविड 19 में, बहुत ही कम चांसेस हैं. नॉर्मली प्रोग्रेस करती है प्रेगनेंसी और फीटस के ऊपर भी कोई हार्मफुल इफेक्ट्स कोई एज सच हमारे स्टडीज में नहीं अभी तक देखे. लेकिन मैंने एज सच अगेन फिर एट द कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन दैट आई से बहुत कि नया वायरस है तो जितनी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. एक तो घबराए ना, दूसरा रेस्ट जरूर करें, तीसरा अपने मॉलेज से रबते में जरूर रहें, मशवरा जरूर करें. प्रेग्नेंट खवातीन अपने गायनोकोलॉजिस्ट को एज सून एज दे डेवलप सिम्टम्स रबता करें, क्या अद्वियात लेनी है, किस स्टेज पे उन्हें हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत है, उनको कितनी फ्रीक्वेंटली स्कैन कराने की जरूरत है, ये तमाम आपका गायनोकोलॉजिस्ट आपका ट्रेमेस्टर और आपकी सिचुएशन को देखते हुए आपको एडवाइस करेगा. बट देयर इज नथिंग टू वरी कि जी प्रेगनेंसी में कोविड हो गया तो क्या करेंगे. डिलीवरी के दौरान जो प्रिकॉशंस ली जाती है वो वही हैं जो आप किसी भी प्रोसीजर के दौरान या हॉस्पिटल के दौरान लेते हैं जिसमें फुल पीपी डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, जो डिलीवर करा रही होती है आपको हेल्पिंग स्टाफ होती है या
जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है वो भी आपको पीपी में होता है, पेशेंट को भी मास्क पहनाया जाता है, अद्वियात इसमें कुछ अगर देने की जरूरत है तो उनकी सेफ्टी को भी मद्देनजर रखा जाता है, बाकी जो सप्लीमेंट्स आपको प्रेस्क्राइब किए गए हैं इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम और फॉलिक एसिड, या अगर खुदा ना खास्ता प्रेगनेंसी की अपनी कोई आपको कॉम्प्लिकेशन है जैसे शुगर है या ब्लड प्रेशर है, उसकी अद्वियात को अपने गायनोकोलॉजिस्ट और अपने फिजिशियन के मशवरे से जारी रखें और पैनिक ना करें। होपफुली इंशाल्लाह रिकवरी आपकी जल्दी हो जाएगी एंड देन यू विल बी एबल टू डिलीवर नॉर्मल। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत अच्छे। उस्मान गनी का एक और क्वेश्चन है कि व्हाई इज दैट आफ्टर ऑलमोस्ट एवरी 3 इयर्स देयर इज सच ए वायरस SARS, कोंगो, इबोला। आई डोंट थिंक कि 3 इयर्स के बाद होता है, लेकिन ये कभी भी हो जाते हैं जब इनका दिल करता है। अच्छा फहद, एक क्वेश्चन आपका मैं मिस कर गई थी, वो हार्ट वाला मुझे अभी याद आया। आपने पूछा था कि ये पोस्ट कोविड जो है हार्ट पे इफेक्ट, तो देखें कोविड वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि एक एटिपिकल प्रेजेंटेशन से भी आता है। अभी हम ही गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की गाइडलाइंस भी इशू कर रहे हैं, विद इन नेक्स्ट वीक आपके पास होंगी, जिसमें ये तो हमें पता है कि एक टिपिकल रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के साथ आता है जिसमें गला, नाक खराब, खांसी, लेकिन एटिपिकल सिम्टम्स के साथ ही हमारे पास बहुत पेशेंट्स आए। डायरिया का जिक्र मैंने पहले किया था, लॉस ऑफ taste of sense of taste and smell का जिक्र मैंने पहले किया था। हमारे पास हार्ट डिजीज से भी बहुत पेशेंट आए, मायोकार्डाइटिस से, फिर थ्रोम्बस के फॉर्मेशन यानी कि खून के गाढ़ा या क्लॉट बनने की टेंडेंसी होती है उसके साथ बहुत पेशेंट आए, आंतों में क्लॉट आ गया, दिमाग की किसी नाली में क्लॉट आ गया, दिल के अटैक के साथ, दिल के पट्ठों पे असर कर देता है, इसे हम मायोकार्डाइटिस कहते हैं, लिवर पे असर कर देता है। सो देर आर मल्टीपल प्रेजेंटेशंस ऑफ COVID-19। तो जो आपने बात की कि दिल पर असर करने के साथ, तो बिल्कुल बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस के साथ पेशेंट्स आ रहे हैं, और कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस जो है वो मॉडरेट टू सीवियर डिजीज में ज्यादा देखी जा रही हैं, और ये इस वजह से है क्योंकि इसमें खून के जमने की सलाहियत मुतासर होती है। ये वायरस जो है खून के जमने की सलाहियत को मुतासर करता है जिसकी वजह से क्लॉट्स बन के जिस्म के किसी हिस्से को ब्लॉक कर सकते हैं, वो आपका हार्ट भी हो सकता है, आपकी किडनीज भी हो सकती है, इंटेस्टाइन भी हो सकता है, दिमाग भी हो सकता है। इसलिए हम कुछ मरीजों में टेस्ट कराते हैं इससे रेलेवेंट और उनको खून पतला करने की अद्वियात देते हैं, लेकिन अद्वियात की वजह से जो है वो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होने के कम चांसेस हैं, बल्कि ये अद्वियात प्रिवेंट करती हैं कि अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन कोएगुलोपैथी की वजह से डेवलप हो रही हो तो उसको हम 2 या 3 महीने के लिए भी कई दफा मरीजों को अद्वियात पे डालते हैं। अभी क्योंकि ये नया वायरस है तो इसके जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हैं पोस्ट कोविड जो रिकवरी फेज की चीजें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास सामने आनी शुरू हो रही हैं। हम उस पर एक रिसर्च प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं कि कोविड के बाद मरीज जो है वो कई दफा कंप्लेन करते हैं कि जी हमें ये वीकनेस बहुत रहती है, थकान बहुत है, विगर और एनर्जी वैसी नहीं रही जैसे पहले थी, कुछ लोगों को परसिस्टेंट ड्राई कफ डेवलप होने लग जाती है, सांस जो है वो बेहतर ही नहीं हो रहा, तो लंग के अंदर फाइब्रोसिस देखने को आ रहा है, दिल के पट्ठों पे कमजोरी कर रहा है, मायोकार्डाइटिस देखने के आ रहा है, दिल की नालियों को और जिस्म के बाकी हिस्सों की खून की नालियों में तंगी कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता जैसे डिजीज प्रोग्रेस कर रही है तो नॉलेज इवॉल्व हो रहा है और हमारे पास आ रही है, और हम उसके ऊपर मरीजों को गाइड भी कर रहे हैं और उनका ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। बहुत अच्छे, ठीक है। हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, हम उनको भी जल्दी जल्दी आंसर करते जाते हैं। महक साथ का क्वेश्चन है, विद माइल्ड सिम्टम्स After 7 days in isolation, fever reoccur 100. Now 10 days of isolation. So for how long to be in isolation? That's one in nine. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है महक, बिकॉज एक कंप्लेंट जिसके पास मेरे पास बहुत सारे यंग लोग आए वो माइल्ड परसिस्टेंट लो ग्रेड फीवर है। मरीजों को 2-2, 3-3 हफ्ते हो गए हैं लेकिन उन्हें 99.4, 99.6, 100 के करीब फीवर जो है वो परसिस्टेंट रह रहा है। सो वी आर लुकिंग एट इट कि ये क्यों रह रहा है, लेकिन मैं आपको जनरली 2 बातें बता रही हूँ अबाउट वायरस के कब आप आइसोलेशन ब्रेक कर सकते हैं। एक पेशेंट जो कि कम्प्लीटली एसिम्प्टोमेटिक था और उसका सिर्फ टेस्ट पॉजिटिव था, यानी उसमें कोई अलामत नहीं थी, सिर्फ टेस्ट पॉजिटिव था, वो टेस्ट पॉजिटिव होने के 10 दिन के बाद अपनी आइसोलेशन को ब्रेक कर सकता है, क्योंकि रिसर्च ने ये शो किया है कि 11 डेज से के बाद आप इन्फेक्शियस नहीं रहते। ठीक है, वो पेशेंट्स जिनमें माइल्ड सिम्टम्स थे या मॉडरेट सिम्टम्स थे वो सिम्टम्स टेस्ट कराए हुए कम से कम 10 दिन हो गए हों, मिनिमम पीरियड ये है कि 10 डेज हो गए हों, अगर 10 डेज से कम है तो आप आइसोलेशन ब्रेक नहीं कर सकते, और आपको एसिम्प्टोमेटिक हुए हुए यानी कि सिम्टम्स को सेटल हुए हुए, सिम्टम्स को रिजॉल्व हुए हुए, फीवर विदाउट एंटीपायरेटिक्स, कोई सांस में खराबी नहीं है या सांस में तंगी नहीं है, और आपको जो है वो खांसी बिल्कुल कोई अगर मामूली नौयत की है तो खैर, लेकिन अगर ऐसी डिस्टर्बिंग खांसी नहीं है और आपके सिम्टम्स इम्प्रूव कर गए हैं और 3 दिन से आप अपने आप को स्टेबल कंसिडर कर रहे हैं, तो फिर आप एटलीस्ट 10 डेज एंड
10 days plus 3 days after resolution of symptoms. This is the time when you can break your isolation. जो महक आपका क्वेश्चन था कि 7 days से आपने आइसोलेट किया लेकिन आपको फीवर परसिस्ट कर रहा है, तो कम से कम आपके फीवर को सेटल हुए हुए 3 दिन हो जाए तो उसके बाद आप अपनी आइसोलेशन को ब्रेक कीजिए. Wonderful. I think ये भी बहुत अच्छे से आंसर हो गया. हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि हम पहले आंसर कर चुके हैं. जिस तरह से हमारे पे यहाँ मरियम नासिर ने पूछा हुआ है कि COVID-19 फॉर यंग चिल्ड्रन एंड व्यू ऑन ओपनिंग स्कूल्स, तो ये हम पहले आंसर कर चुके हैं. आप ये पहले जुलाई सेशन है ये खत्म होने के बाद देख लीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा. अच्छा, हमारे पास यहाँ पे हफ्जा का कमेंट है कि आई हैव नो सिम्टम्स बट आई लॉस्ट माई स्मेल एंड टेस्ट, सो व्हाट शुड आई डू, आई एम मदर ऑफ 3 months ओल्ड बेबी, मुझे क्या करना चाहिए? आपका टेस्ट पॉजिटिव है? I don't think so. इन्होंने टेस्ट भी कराया है. अच्छा, if अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव है तो मैंने बताया, अगर आपको बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स है, लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल के अलावा कोई और कंप्लेन नहीं है, तो एटलीस्ट 10 days की आपको रिक्वायरमेंट है आइसोलेशन को ब्रेक करने की. इफ यू हैव स्मॉल चिल्ड्रन, अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग पे है, यू कैन कंटिन्यू द ब्रेस्ट फीडिंग, लेकिन आपको कॉन्टेक्ट प्रिकॉशंस देनी चाहिए जिसमें आपने मास्क का इस्तेमाल करना है और बेबी को टच करने से पहले हाथों को अच्छी तरह धो लें और उसको सैनिटाइज कर लें, और कोशिश करें कि आप बच्चे के मुंह नाक और आंखों को हाथ ना लगाएं ताकि उसको ट्रांसमिट ना हो, और मास्क पहन के आप उसको ब्रेस्ट फीड कर सकती हैं. बाकी बच्चों को अगर वो भी छोटे हैं, यू नीड टू टेक केयर ऑफ देम एंड देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव, यानी कि किसी के पास छोड़ नहीं सकते हैं, तो फिर आप इंतहाई प्रिकॉशंस के साथ उनको उनके साथ मास्क के साथ आप फॉलो कर सकती हैं. जरा दूर रखिए, बहुत ना रखें ताकि इन्फेक्शन के चांसेस हों, लेकिन बेहतर ये है कि एटलीस्ट फॉर 10 days आप अपने आप को आइसोलेट करें. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. मलिक जाहिर ने पूछा हुआ है, व्हाट आर द स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स टू डंप कोरोना सेफ्टी मटेरियल्स लाइक आफ्टर यूज ऑफ फेस मास्क, पीपीई किट्स, ग्लव्स? आई थिंक ये भी बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है. आई थिंक के जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल है उसके ऊपर तो एक पूरा सेशन हमें करना चाहिए फहद. जो भी पेशेंट की सिक्रीशंस होती हैं, जैसे कि मास्क है अगर वो डैम्प हो गया है या टिश्यू पेपर है, ये सारे इन्फेक्शियस मटेरियल के तौर पे ट्रीट होते हैं, तो इनको या तो गड़ा खोद के दबा देना चाहिए या डबल प्लास्टिक बैग में इसको बंद कर देना चाहिए और जो वेस्ट डिस्पोजल होती है उसके हवाले करना चाहिए, या फिर आप इन्हें इंसिनरेट भी कर सकते हैं, यानी कि जला सकते. बिल्कुल ठीक है. डॉक्टर सोमिया, आई थिंक हमें लाइव सेशन एंड करने की तरफ चलना होगा. हमारे पास और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमने जो काफ़ी क्वेश्चंस हैं उनको ऑलरेडी आंसर कर दिया हुआ है. सो आप अगर लाइव सेशन दोबारा स्टार्ट से देखेंगे तो आपको उनका भी आंसर मिल जाएगा. एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा आपसे, एंड इंशाल्लाह फिर हम इसको एंड करते हैं. क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जब कोविड आया था तो जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने फ्रंटलाइन के ऊपर काम किया है, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा है इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज आपका भी 20 या 25 years का आई गेस एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ लाइक बीइंग अ डॉक्टर, लेकिन कोविड जैसे सिचुएशन शायद कभी आप तमाम डॉक्टर्स ने देखी हो, तो जो लोग हमें देख भी रहे हैं अगर आप उन्हें बता सकेंगे ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द डॉक्टर्स कि आप लोगों का ये कैसा एक्सपीरियंस था एंड अभी भी क्या चैलेंजेस हैं जो आप लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं, लाइक व्हाट वुड यू लाइक टू टेल ऑल टू ऑल ऑफ अस? I think, Fahad, this is rightly said as once in a century pandemic. कि 100 सालों में एक ऐसी पैंडेमिक आती है, और कभी नहीं जिंदगी में सोचा था कि कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जो हमें डील करनी पड़ेगी. बहुत सारे एपिडेमिक्स हमने देखे हमारे पास, और बहुत इन्फेक्शियस डिजीजेज आई. डेंगी में आपको पता है मैं काम करती हूँ, तो डेंगी के एपिडेमिक्स हमारे पास आते रहते हैं. पोलियो के केसेस इन्फेक्शन के हमारे पास आते हैं, फिर कॉन्गो के इन्फेक्शन के. लेकिन ये एक ऐसा यूनिक वायरस था जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया और पाकिस्तान भी इससे बच नहीं सका. इसमें जो सबसे ज्यादा खौफ सदा या समझ लें कि जो इसका नेगेटिव पॉइंट था वो ये इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी थी, कि ये एक से दूसरे शख्स को बहुत तेजी से लगता है. एंड अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट मेनी प्रेशियस लाइव्स ड्यू टू दिस वायरस, इंक्लूडिंग आवर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, मेरे बहुत सारे कोलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, नर्सेज हैं. और यकीन जाने के अभी हमारे वाइस चांसलर निश्ते मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब की डेथ हुई, हमारे बहुत सारे लोग भावलपुर से कोई एक डॉक्टर साहब थे उनकी डेथ हुई, हमारे बहुत कोलीग्स जो हैं वो सीवियर डिजीज में भी गए, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ठीक भी हो गए. तो इसने किसी सेक्टर, किसी रेस, किसी मजहब, किसी एज लिमिट, किसी जेंडर को नहीं छोड़ा. सो ये एक ऐसी बीमारी है जिसने न सिर्फ मरीजों बल्कि बहुत सारे डॉक्टर्स को भी मुतासिर किया, और वो भी मरीज बन गए और बहुत सारे लोग जान की बाजी हार गए. आई थिंक एक बहुत पेनफुल बट अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन, बिकॉज ये वो सिचुएशंस हैं जो हमें एज अ नेशन इकट्ठा कर देती हैं, और हमें पता चलता है
कि जब हम अपने हीरोज को कंसिडर करते हैं तो शायद वो कोई सुपरस्टार या वो कोई क्रिकेटर या वो कोई पॉलिटिशियन या कोई ऐसी सेलिब्रिटी नहीं है, बल्कि असल हीरोज वही हैं जो एक जिंदगी बचाते हैं. लोगों ने इतना प्यार दिया, इतनी दुआएं दी, इतने मैसेजेस आते हैं मरीजों की तरफ से, आपके दो बोल रीअश्योरेंस के हैं, वही उनको जिंदगी दे देते हैं. तो आई थिंक इट्स सच अ रिवॉर्डिंग प्रोफेशन. मुझे तो बहुत पसंद है मेडिसिन, अपनी अपने दिल से डॉक्टर बनी हुई हूँ. लेकिन इस पेंडेमिक ने जितनी रिवॉर्ड दिया है आपको इन द टर्म्स ऑफ लोगों की खिदमत करने का मौका और उनकी उनकी मिजरी और उनकी पेन को एलिविएट करने का मौका दिया है, आई थिंक दिस इज द टाइम जब हम लोगों को रियलाइज करना चाहिए कि हमें अपने मेडिकल प्रोफेशनल्स को इज्जत भी देनी चाहिए और उनको रिवॉर्ड भी करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कि बेहतर उनको मौके दिए जाएं काम करने के, बेहतर सहूलियात दी जाए उन्हें काम करने की, और वो इसी तरह अपनी मेहनत और लगन से जो है वो मुल्क कौम की जान बचाते रहें और अपना किरदार अदा करते रहें. बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच डॉक्टर सोमिया. कोई लास्ट मैसेज अगर आप देना चाहें, आगे ईद भी आ रही है, सो आई थिंक अगर आप उससे भी थोड़ा रिलेट इसको कर दें. सब लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जो हमने कैजुअल बिहेवियर दिखाया था लास्ट ईद पे, काइंडली उस गलती को दोबारा ना दोहराएं. वी आर एट द वर्ज ऑफ गेटिंग रिड ऑफ दिस एपिडेमिक एंड पेंडेमिक ऑफ कोरोना वायरस डिजीज. दिस इज द टाइम व्हेन वी ऑल हैव टू एक्ट एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस एंड फॉलो द एसओपीज. तो प्लीज एसओपीज को फॉलो करें, अपने इर्द गिर्द लोगों को कंडेम करें जो वॉयलेट करते हैं एसओपीज को, उनको समझाएं, उन्हें बताएं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है. अगर आपको कोई सिम्टम साइंस डेवलप होते हैं तो इसको स्टिग्मा इसके साथ कोई अटैच ना करें, अपने आप को जरूर टेस्ट करवाएं और हॉस्पिटल फैसिलिटी में रिपोर्ट करें. सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करें, डॉक्टर के मशवरे से अपना इलाज जारी रखें. इसका रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, 2% जो है वो डेथ रेट से हम अब बहुत कम. आपको पता है कि जो हमारा लेटेस्ट डेथ रेट है वो 0.9% है. तो हमने इतनी रिमार्केबल इंप्रूवमेंट कर ली है विद द न्यू नॉलेज, विद द न्यू प्रैक्टिसेस इन मेडिकल फील्ड, और इस बीमारी से हमने सीख लिया है इसको काबू करना. तो प्लीज डॉक्टर से मशवरा करें, टोटको में, मिथ्स में, और ये जो घरेलू नुस्खे हैं इनको अवॉइड करें और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन को फॉलो करें. मरहम और इस जैसे बहुत सारे मेडिकल फोरम्स आपकी हेल्प के लिए हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट, पाकिस्तान NIH गाइडलाइंस इशू करता है, डॉक्टर्स उनको फॉलो करके आपको ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं. उनको फॉलो कीजिए, उनसे कोऑपरेट कीजिए और इस ईद को जरूर मनाइए. सुन्नत इब्राहिमी का फर्ज जरूर अदा कीजिए, बट विद दिस मैसेज कि हमने इसको दोबारा बढ़ने नहीं देना, हमने एसओपीज को फॉलो करना है. हमने वो तमाम इकदामात जो हुकूमत ने हमारी इस्लाह और हमारी बेहतरी के लिए नाफिज किए हैं उन पर अमल करना है, और इंशाल्लाह सून वी विल बी एबल टू हैव अ कोरोना फ्री पाकिस्तान. वंडरफुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर सोमिया लाइव सेशन के लिए, टाइम निकालने के लिए भी, और ओवरऑल भी जितना माशाल्लाह आपने और तमाम डॉक्टर्स के बिने कम्युनिटी ने कंट्रीब्यूट किया है कोविड के टाइम में. आई एम सॉरी टू दोस पीपल जिनका मैं क्वेश्चंस नहीं ले पाया. हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, हमें सेंड करना होता है, वरना हम इसको जरूर कंटिन्यू करते. जिन लोगों के क्वेश्चंस रह गए हैं आप लोग जरूर मरहम के फोरम के ऊपर जाके पोस्ट कर सकते हैं. आप लोग डॉक्टर सोमिया इकदार के साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन लेके भी बात कर सकते हैं. मरहम की ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप डॉक्टर सोमिया के जरिए ऑनलाइन कंसल्टेशन लेके बात कर सकते हैं. इवन अगर आप इनको फिजिकली जाके चेक करवाना चाहते हैं तो वो भी आप पॉसिबल है, आप बिल्कुल मरहम की ऐप के बारे इनके साथ अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं. और भी अगर आपको लगे कि इस टाइम में आपको डॉक्टर की ज़रूरत है बात करने की, आप मरहम की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद आप किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बात कर सकते हैं. तो इन द एंड स्मॉल मैसेज मेरा भी यही है मैसेज आप सबके लिए कि प्रैक्टिस करें सोशल डिस्टेंसिंग. हम बहुत करीब हैं कोविड को एंड करने के, तो अपना जो है बहुत सारा ध्यान भी रखें, ईद भी अच्छे से मनाएं, लेकिन प्लीज़ तमाम SOPs को ज़रूर फॉलो करें. और अगर आपको कोई भी इन रिगार्ड टू हेल्प चाहिए हो डॉक्टर्स या कोविड की सिचुएशन में, तो ज़रूर आप हमारे मरहम के ग्रुप में पोस्ट भी कर सकते हैं, हमारी टीम को रीच आउट भी कर सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल दोस पीपल हु जॉइंड, एंड अगेन डॉक्टर सोमिया बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए. हम इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि हमारा जो आने वाला वक्त है इसमें जल्द अज जल्द हम जो है कोविड को हरा लें और हमारी इस जो पेंडेमिक है इसका खात्मा हो जाए. तो थैंक यू सो मच डॉक्टर सोमिया, एंड थैंक यू टू एवरीवन हु जॉइंड. अल्लाह हाफिज़.